साहिब मजार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله प्यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। प्यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम में साहिब मज़ार। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे शहर कराची में अल्लाह पाक के वलियों के बहुत सारे मज़ारात मौजूद हैं और आज हम अपने व्यूअर्स को करवाएंगे घर बैठे कराची के एक मशहूर वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत और हासिल करेंगे साहिब मज़ार की ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात। मज़ार शरीफ के करीब मौजूद लोगों से भी साहिब मज़ार के बारे में और दीन इस्लाम के बारे में कुछ आसान सवालात भी करेंगे। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा इस प्रोग्राम के आखिर तक। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अब हम अपने दोस्तों की जानिब जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। कहाँ रह गए उज़ैर भाई? आते होंगे, रास्ते में होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा ये बताएं कि आज हम सफर किस मज़ार की तरफ करेंगे? आप लोग किसी मज़ार शरीफ के बारे में सोच कर आए हैं? जी जी उज़ैर भाई, मैं सोच कर आया हूँ मज़ार शरीफ के बारे में और साहिब मज़ार का नाम है हज़रत पीर छट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उज़ैर भाई, ये तो कराची के इलाके खारा दर के मशहूर बुजुर्गों में से है ना? जी जी सही कहा आपने। अच्छा तो आज का हमारा सफर हजरत पीर छट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार की तरफ होगा। मैं टीम को बोल देता हूँ, वो गाड़ी और ड्राइवर दोनों अरेंज कर देंगे। गाड़ी आ गई है, चले चलते हैं। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने अपने सफर का आगाज कर दिया है। चले सफर में है, सफर की दुआ भी पढ़ लेते हैं। सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफर की दुआ हमने पढ़ ली है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम दीन इस्लाम के एक अजीम बुजुर्ग हस्ती के मज़ार पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं, जो अल्लाह पाक की इबादत करते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया करते, लोगों की इस्लाह भी करते और दीन इस्लाम की दावत और तबलीग भी किया करते। यही वजह है कि आज हम इज्जत और एहतराम के साथ जा रहे हैं हजरत पीर छट्टन शाह रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार। मज़ार पहुंचने के लिए हम चलेंगे कराची के एक इलाके खारा दर में। आप रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार शरीफ कराची सेंट्रल से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है और लियारी एक्सप्रेसवे के जरिए पहुंचने से वक्त कम लगता है, मगर सफर तकरीबन 20 से 21 किलोमीटर का हो सकता है। ये ओल्ड सिटी एरिया है, इसीलिए यहाँ मिडिल क्लास लोगों की तादाद ज्यादा है। मज़ार के आसपास कच्चे पक्के पुराने घर और बिल्डिंग्स हैं और करीब करीब काफी सारी चीजों की होलसेल और रिटेल मार्केट्स बनी हुई हैं, जिनमें पहनने से लेकर घर के सजावट और बनावट तक का सामान मिलता है। आज हम हजरत पीर छट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार की ज़ियारत भी करेंगे और उनके मज़ार पर पहुंचकर उनके हवाले से इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और उनकी शान भी बयान करेंगे। साहिब मज़ार की बारगाह में आज
हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म, हम आ चुके हैं अपनी मंजिल पर, यानी के हम आ चुके हैं हजरत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाही अलैह के मजार शरीफ पर। चले तो फिर देर किस बात की, चलते हैं मजार शरीफ के अंदर, हम हाजिरी करेंगे, आपको भी साथ साथ ज़ियारत करवाएंगे। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या नाम है आपका? सलमान। मोहम्मद जुनेद कादरी। मेरा नाम सैयद अली बुखारी है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद उजैर हुसैन अतारी है। मैं किड्स मनी चैनल की तरफ से आया हूँ, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल इजाज़त है। जी हाँ फरमाइए। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप कितने सालों से यहाँ हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यूं तो हम बचपन से आ रहे हैं हाजिरी के लिए। आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तकरीबन मतलब बचपन से ही आ रहा हूँ, मेरे अम्मी अबू के साथ आता था और मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए। 10-15 सालों से इस मज़ार पर आ रहा हूँ। माशाल्लाह आप 10-15 सालों से आ रहे हैं, सुभानअल्लाह। मैं तो तकरीबन 10-15 सालों से यही देख रहा हूँ कि बहुत सारे अकीदतमंद तकरीबन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और इस साहिब मज़ार से फेस पाते हैं। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मेरा कुछ काम होता है या कोई दिली मुराद होती है मेरी पूरी हो जाती है और हर जायज़ मकसद मेरा पूरा होता है। किसी जायज़ मकसद के बारे में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो वो मकसद इंशाल्लाह हमारा ज़रूर पूरा होता है। मुल्तान शरीफ के एक मशहूर मज़ार का नाम बताएं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मुल्तान शहर के एक मशहूर मज़ार शरीफ का नाम बताएं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार पाकिस्तान के किस शहर में है? हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला का मज़ार शरीफ जो है वो लाहौर शरीफ में वाकई है। हजरत दाता गंज बख्श पाकिस्तान के शहर लाहौर शरीफ में है। जी माशाल्लाह सुभानअल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार शरीफ पाकिस्तान के किस शहर में है? लाहौर में। लाहौर में। आपने कहा लाहौर में, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वितर की 3 रकातें किस नमाज में पढ़ी जाती हैं? वितर की 3 रकातें जो हैं वो ईशा की नमाज में पढ़ी जाती हैं। नमाज ईशा में। जी माशाल्लाह, आपने कहा नमाज ईशा में और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि वितर की 3 रकातें किस नमाज में पढ़ी जाती हैं? ईशा की नमाज। नमाज ईशा में। आपने कहा नमाज ईशा में, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पानी पीने से पहले की दुआ सुनाएं। पानी पीने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। कुरान पाक के कितने पारे हैं? कुरान पाक के 30 सिपारे हैं। कुरान पाक के 30 पारे हैं। जी आपने कहा 30 पारे हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कुरान पाक के कितने पारे हैं? 30 पारे। 30। आपने कहा कुरान पाक के 30 पारे हैं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। मदनी चैनल का एक मकबूले आम प्रोग्राम मदनी मुजाकरा किस दिन आता है हफ्ते में? हफ्ते वाले दिन आता है, हफ्ते को। हफ्ते के रोज। जी आपने कहा हफ्ते के रोज और आपका जवाब दुरुस्त है। मदनी चैनल का एक मकबूले आम प्रोग्राम मदनी मुजाकरा किस दिन आता है? हफ्ते के दिन। आपने कहा हफ्ते के दिन, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभानअल्लाह। दावत इस्लामी की दीनी खिदमात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया की वाहिद जमात है, सुन्नतों की वो जमात है जो अहले सुन्नत वाल जमात की तबलीग व इशाअत के लिए बेहिसाब खिदमात अंजाम दे रही है और अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चुगनी
इसी तरह तरक्कियाँ अता फरमाएँ और इसमें मजीद इखलास और बरकतें अता फरमाएँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है दावत इस्लामी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे लेकर चल रही है। माशाअल्लाह दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मदनी चैनल के काफ़ी एक प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा एक पसंद किए जाते हैं और सबसे अच्छा प्रोग्राम मुझे जो लगता है वो कुरान से एक किस्सा जो मौलाना हबीब अतारी साहब का जो आता है वो हम मेरी मतलब एक पूरी फैमिली देखती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में जो दुआएँ वगैरह होती हैं और अजहर साहब की जो अगर मजाकरे वगैरह जो भी होते हैं उसके अंदर सवालात होते हैं वो बहुत हमें अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने सारे सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। प्यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मजार शरीफ पर हाजिरी देने के आदाब और वो करेंगे हमारे उजैर भाई। मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन जब कभी अल्लाह पाक के नेक बंदों के मजार शरीफ पर हाजिरी का मौका मिले तो बिल्कुल अदब के साथ हाजिरी दी जाए और मजार शरीफ पर हाजिरी देने के क्या क्या मैनर्स है चले मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों जब कभी आप अल्लाह पाक के वली के मजार पर हाजिरी देने जाएं तो साहिब मजार के कदमों की तरफ से मजार शरीफ में हाजिर हो और अपना चेहरा साहिब मजार के चेहरे की तरफ कर ले तो साहिब मजार से तकरीबन चार हाथ यानी दो गज के फासले पर खड़े हो जाएं और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज से इस तरह सलाम पेश करें अस्सलामु अलैका या सैयदी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर बच्चों आप सबने दुरूद पाक पढ़ना है और सूरह फातिहा सूरह इखलास और फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है फिर अल्लाह पाक से इस तरह दुआ करनी है ए अल्लाह पाक जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की है उसका सवाब मेरी तरफ से साहिब मजार तक पहुंचा दे। फिर प्यारे बच्चों जो आपके दिल में अच्छी अच्छी दुआएं हो वो दुआएं आप अल्लाह पाक से मांगे स्पेशल अपने अम्मी अब्बू के लिए भी दुआ कीजिए और किताबों में लिखा है कि अल्लाह पाक के वलियों के मजार के पास दुआएं कबूल होती हैं। किसी कहने वालों ने क्या खूब कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। फिर जब मजार से वापसी आ रहे हो तो इस तरह वापस आए कि साहिब मजार को पीट ना हो और इस तरह सलाम पेश करके वापसी आए जिस तरह आते वक्त किया था। आए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है साहिब मजार की शान जो आपको बताएंगे हमारे उजैर शाह साहब और मुदस्सिर भाई। साहिब मजार की बारगाह में आज कराची के इलाके खारादर में जहाँ अल्लाह पाक के वलियों के बहुत सारे मजार आते हैं। पिछली दफा हम हजरत दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मजार शरीफ पर हाजिर हुए थे उनका मजार शरीफ भी इसी इलाके में है और आज हम अल्लाह पाक के जिन नेक वली के मजार शरीफ पर हाजिर हैं उनका नाम है हजरत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह तकरीबन 200 ईयर्स ओल्ड पर्सन यानी 200 साल पुराने बुजुर्ग हैं और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार शरीफ एक बारौनक इलाके में है और लोग आते जाते आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मजार शरीफ पर हाजिरी देते हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करके अपनी अपनी दिल की मुरादें पा लेते हैं। सुबह हो या शाम आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मजार शरीफ के दरवाजे हर एक के लिए खुले होते हैं। अल्लाह पाक के नेक बंदों की अपने चाहने वालों पर खास नजर होती है उन पर खास करम होता है इसी तरह साहिब मजार के चाहने वाले भी बहुत हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के चाहने वाले आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से अल्लाह पाक की बारगाह में जिस भी जायज चीज का सवाल करते हैं अल्लाह पाक साहिब मजार के सदके में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के चाहने वालों की हर जायज मुरादों को पूरा फरमाता है। बीमारों के लिए दुआ करने वालों को बीमारों से शिफा हासिल होती है परेशान लोगों की परेशानियां दूर होती हैं। इवन ये कि जो जिस नेक मकसद से यहाँ आता है अल्लाह पाक साहिब मजार के सदके में हर एक के दिल की मुरादों को दुआओं को कबूल फरमाता है। चलिए बच्चों अब मैं आपको साहिब मजार के तआरुफ के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। प्यारे बच्चों हजरत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह 1183
हिजरी साल सिनके शहर ठट्टा में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी दीनी तालीम ठट्टा के शाही मदरसे में हासिल की और फिर कुछ सालों बाद हज करने और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की जियारत की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई तो अपने अबू जान से इजाज़त लेकर अपने इस दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चल पड़े और जब वापसी हुई तो कराची के इलाके खारा दर में हजरत गुलाम अली शेख बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की खिदमत में रहने लगे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का इंतकाल जिक्र शरीफ की महफिल के दौरान असर की नमाज के बाद 1235 हिजरी साल में हुआ। अल्लाह पाक हजरत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सदके में हमारी और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों से सवाल। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसद्दिक अतारी। मोहम्मद बिलाल अतारी। मोहम्मद हसन। मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ, आपसे कुछ सवालात करने हैं, क्या आपकी इजाज़त है? जी जी जी। अच्छा आप ये बताएं कि साहिब मज़ार का नाम क्या है? हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि अलैह। जी आपने कहा हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका जवाब दुरुस्त है। साहिब मज़ार का नाम बताएं। हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि अलैह। आपने कहा हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है। साहिब मज़ार का नाम बताएं। हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जी आपने कहा हज़रत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह तकरीबन कितने साल पुराने बुजुर्ग हैं? तकरीबन 200 साल। 200 साल पुराने? तकरीबन 200 साल पुराने। जी आपने कहा तकरीबन 200 साल पुराने बुजुर्ग हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिंध के किस शहर में पैदा हुए? ठट्टा में। ठट्टा ठट्टा। आपने कहा ठट्टा और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीनी तालीम किस शहर में हासिल की? ठट्टा। ठट्टा। जी आपने कहा ठट्टा और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह तकरीबन कितने साल पुराने बुजुर्ग हैं? तकरीबन 200 साल। तकरीबन 200 साल। 200 साल पुराना। जी आपने कहा तकरीबन 200 साल पुराने बुजुर्ग हैं और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ठट्टा में किस मदरसे से दीनी तालीम हासिल की? शाही मदरसे से। शाही मदरसे से। शाही मदरसा। जी आपने कहा शाही मदरसा और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिंध के किस शहर में पैदा हुए? आप रहमतुल्लाहि अलैह ठट्टा के शहर में पैदा हुए। ठट्टा में। ठट्टा। जी आपने कहा ठट्टा और आपका जवाब दुरुस्त है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस शहर में दीनी तालीम हासिल की? ठट्टा। ठट्टा। ठट्टा में। जी आपने कहा ठट्टा में और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह तकरीबन कितने साल पुराने बुजुर्ग हैं? 200 साल पुराने। 200 साल। जी आपने कहा 200 साल और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस शहर में दीनी तालीम हासिल की? ठट्टा के शहर में। ठट्टा। ठट्टा। आपने कहा ठट्टा और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ठट्टा के किस मदरसे से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीनी तालीम हासिल की? शाही मदरसे से। शाही मदरसे से। जी आपने कहा शाही मदरसे से और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिंध के किस शहर में पैदा हुए? ठट्टा। ठट्टा। आपने कहा ठट्टा और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ठट्टा के किस मदरसे में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीनी तालीम हासिल की? शाही मदरसे में। शाही मदरसे से। शाही मदरसा।
जी आपने कहा शाही मदरसे से और आपका जवाब दुरुस्त है। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाने के लिए सफर की जरूरत पड़ती है और बहुत से खुशनसीब ऐसे हैं जिन्हें मक्का पाक और मदीना पाक का सफर भी नसीब होता है और खुद हम जब मज़ारात पर जाते हैं तो सफर करते हुए ही जाते हैं और सफर करते हुए ही वापसी अपने घर को लौटते हैं और हमें कोशिश करके सफर की भी कुछ न कुछ सुन्नतें और आदाब सीख लेने चाहिए ताकि हम कभी सफर पर जाएं तो इन पर अमल करके अपने सफर के जरिए भी सवाब कमा सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की एक मुबारक पसंद के बारे में सुनते हैं। हदीस पाक में है कि हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जुमेरात के दिन सफर करना पसंद फरमाते थे इसलिए कि ये हो सके तो हमें भी थर्सडे के दिन अपना सफर स्टार्ट करना चाहिए कि ये सुन्नत है और अगर आसानी हो तो रात को सफर स्टार्ट करना चाहिए इसलिए क्योंकि रात को सफर करना जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को सफर किया करो क्योंकि रात को जमीन लपेट दी जाती है। और बच्चों, जब तीन या उससे ज्यादा लोग सफर कर रहे हो तो इन्हें चाहिए कि किसी एक को अपना ग्रुप लीडर बना लें इसलिए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तीन आदमी सफर पर रवाना हो तो वो अपने में से किसी एक को अमीर यानी लीडर बना लें। सफर के कपड़े पहनने के बाद अगर मकरूह वक्त ना शुरू हो तो चार रकात नफिल पढ़ लेने चाहिए इसीलिए कि ये नफिल सफर से वापसी तक घर वालों के लिए हिफाजत करेंगे। और हाँ, जब घर से निकले तो याद से घर से निकलने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। जो घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ लेता है तो वो घर लौटने तक हर बलाओ आफत से महफूज हो जाता है और वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हाँ प्यारे बच्चों, जब सवारी पर बैठ जाए और जब सवारी चलना शुरू हो जाए तो सफर की दुआ भी याद से पढ़ लेनी चाहिए। सफर की दुआ ये है, सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आए हम भी याद कर लेते हैं, सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ। बच्चों, सफर के दौरान अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना चाहिए इसलिए कि अगर हम दौरान सफर अल्लाह पाक के जिक्र में मसरूफ रहेंगे तो फरिश्ता पूरे रास्ते हमारी हिफाजत करेगा। और अगर अल्लाह ना करे गाने बाजे सुनते रहे या फजूल बातें और मजाक मस्ती करते रहे तो शैतान भी हमारे साथ सफर में शामिल हो जाएगा, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सफर के दौरान अल्लाह पाक की तरफ तवज्जो रखे और इसके जिक्र में मसरूफ रहे अल्लाह पाक उसके लिए एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देता है और जो बेहया शेरो शायरी और फजूल बातों में मसरूफ रहे तो अल्लाह पाक उसके पीछे एक शैतान लगा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि सफर में भी अपने आप को गुनाहों वाले कामों और फजूल कामों से बचने की आदत बनाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उसे याद रखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। आज की हाजिरी के हवाले से क्या कहेंगे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी दीनी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ। और कोई कुछ कहेगा? अल्लाह पाक के करम से आज हमने हजरत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार की जियारत की। और कोई? हजरत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के बारे में सुना। और ये भी पता चला कि आप रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं। जी मुदस्सिर भाई, माशाल्लाह, क्या बात कही आपने, दिल ही खुश कर दिया। अच्छा चलें, आज हमने जो कुछ सुना मैं आपसे उनके बारे में सवालात करता हूँ, जिसको जवाब मालूम हो वो हाथ ऊँचा करके बताएगा। हजरत पीर छुट्टन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार शरीफ कराची के किस एरिया में है? जी कौन बताएगा? जी आप। खारादर। माशाल्लाह,
आपने कहा खारा दर और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप रहमतुल्लाही ताला अलैह हज करने और मदीना शरीफ की जियारत करने के लिए किससे इजाजत लेके गए थे? जी, अपने अब्बू जान से। आपने कहा अपने अब्बू जान से और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। खारा दर के इलाके में और किस मजार शरीफ पर हम पहले भी आ चुके हैं? हजरत दूल्हा शाह सब्जुआरी रहमतुल्लाही ताला अलैह। आपने कहा हजरत दूल्हा शाह सब्जुआरी रहमतुल्लाही ताला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं, आज हमने किस चीज की सुन्नत और आदाब के बारे में सुना है? जी आप ही बता दें। सफर की। आपने कहा सफर की और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सीखा उसे खुद याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम साहिब मज़ार का वक्त खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में एक नए मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाने। और अगली बार हम किस मज़ार शरीफ पर जाएंगे इसके लिए इंतज़ार फरमाएं अगली एपिसोड का। और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया आ गया।